हाजमे की खराबी की जैसे एसिडिटी का इलाज। हाजमे का मसला बहुत सारे लोगों को है और तकरीबन डेली केसेस जो आते हैं यानी क्लिनिक पे जो रोज के केस आते हैं उसमें ज़्यादातर मसला जो है वो हाजमे का ही हो रहा होता है, यानी स्टमक का मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और क्लिनिक्स पे ज़्यादातर हमारे पास खास तौर पे ज़्यादातर पेशेंट डेली की बुनियाद पे जो है वो हाजमे की खराबी का प्रॉब्लम ज़्यादा लेके आते हैं। हाजमे की खराबी मेन जूस जो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें HCL यानी नमक का तेजाब जिसको आप कह लें, तो ये हमारे मैदे में होता है। बहुत ज़्यादा तेजाबियत को एसिडिटी को कम करने वाली मेडिसन, उससे क्या होता है कि बाज़ों का जो मैदे की तेजाबियत है या मैदे में जो खाना हजम करने के लिए खाने को मिक्स करने के लिए जो तेजाब चाहिए होता है HCL, वो बाज़ों का नॉर्मल मिकदार से कम हो जाता है। जिस तरह से बाज़े लोगों को ज़्यादा हो जाता है, तेजाबियत बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, इसी तरह से जब बार बार आप मेडिसिन खाते रहते हैं तो वो जो तेजाब जो खाने को हजम करने के लिए चाहिए होता है वो कम भी हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है एसिडिटी या तेजाबियत ये इस तरह की कंडीशन जो हो जाती है। और ज़्यादातर मरीज जो है वो हाजमे की खराबी, देखें बुनियाद हमारा मैदा जो है वो एक बुनियाद है, इसी बुनियाद पर हमारी पूरे जिस्म की बिल्डिंग जो है वो खड़ी हुई है, यानी बुनियाद में ही जब हाजमा सही तरह से होगा, जो हम खाते हैं पीते हैं वो सही तरह से डाइजेस्ट होगा और सही तरह से जो है वो जिस्म को लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ों की हमें उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पहले ज़माने में भी अगर आप देखें तो मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, यानी अगर किसी का खाना पीना सही तरह से हजम नहीं हो रहा होता था तो पहले ये तरजीह दी जाती थी कि इस तरह की खुराक या इस तरह की ग़िज़ाएँ दी जाएँ, मेडिसिन दी जाएँ कि हाजमे की खराबी जो है वो बेहतर हो जाए। और आज भी जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में वीकनेस होती जाती है। देखें हम जो खाते हैं पीते हैं वही जाके हमारा कैल्शियम बनेगा, वही प्रोटीन बनेगा, वही दूसरी चीज़ें बनेंगी। जब वो हाजमा ही सही नहीं होगा तो किस तरह से हमारे जिस्म को एनर्जी मिल पाएगी। तो इस वजह से सबसे बेहतर जो है वो हाजमे को बेहतर करना है, उसके ऊपर फिर सारी चीज़ें आपको मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो भी बैलेंस हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। अच्छा जी, हाजमे की खराबी के हवाले से जो हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस कर लेते हैं। एक मेडिसिन कार्बोवेज, कार्बोवेज हाजमे की खराबी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसे लोग जिनको खाया पिया हजम नहीं हो रहा होता, जिस्म को नहीं लग रहा होता, तो वो कार्बोवेज अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से बाजे वो बच्चे जो खाने पीने के बावजूद जो है उनके गाल जो है वो पिचके हुए होते हैं और जो है वो फेस उनका जो है बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा होता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऐसे बच्चों को और बड़ों को अगर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम इस्तेमाल करवाएं तो कुछ ही अर्से में उनके साथ ये मसला बेहतर हल होगा।